हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भवसार। मेरी वीडियो है जो BMS पत्ते का अपन काट देते हैं, तो बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं कि फ़ोन खोलने में पत्ते को काट देते हैं जो नए नए रहते हैं, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर खुद फ़ोन के जो बैटरी का BMS पत्ता रहता है वो काट देता है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे उसी या इस कंडीशन पर क्या बैटरी को चेंज करने की भी नौबत आ जाती, तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो पुरानी सेम बैटरी जो ख़राब रहती है उसका BMS निकाल के हम लगा दो, या तो फिर कभी वो कंडीशन ऐसी रहती है कि मिलता नहीं है सेम BMS हमारे को, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जंपर मार के उसकी सप्लाई भी दे सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में क्या करा है, मैंने इस फ़ोन में जो आया मेरे पास रिपेयर होने के लिए, तो मैंने क्या करा, सेम मॉडल की बैटरी निकाली जो ऑन फ़ोन की थी, उसमें पहले सप्लाई मैच कर ली और उसी के माइक वायर जो इस तरीके से वीडियो में बताए हैं माइक वायर, उनको जंपर मार दिए हैं उनसे मैंने, है ना। BMS मेरे पास अवेलेबल नहीं था, ज़्यादातर MI के फ़ोन की बैटरी ज़्यादा चेंज होती है तो उनकी तो मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन ओप्पो रियलमी की बैटरियाँ कम चेंज होती है तो इनमें क्या ये BMS मिलते नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से जंपर मारेंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि सारे पहले नई बैटरी जो ओके ऑन कंडीशन में है उससे पहले सप्लाई चेक कर लेंगे। प्लस माइनस की सप्लाई चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन क्या होता है कि जो ID और थर्मल लाइन वाली रहती है तो उसकी सप्लाई हमारे को चेक करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों लाइनों की चेक कर लेंगे। जैसे इसमें जो कनेक्टर है उसमें ऊपर दोनों सब, जैसे कनेक्टर में क्या रहता है कि प्लस माइनस रहता है और ऊपर दो पिन आउट रहते हैं बीच में, जैसे इस तरीके का आपके पास फ़ोन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो या फिर मैं डायग्राम दे दूंगा वीडियो में बीच में कि इसमें जो पहले देखो पेस्ट लगा हुआ है बैटरी पे, तो मैं पेस्ट को क्या करूँगा, हल्के से कहिए से साफ़ कर दूंगा जिस तरीके से वीडियो में बताया कि इसको, इससे क्या मेरे को फिर कंटिन्यूटी रेंज चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसको मैं साफ़ कर दिया, अब मैं क्या करूँगा कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख के मैं सप्लाई चेक कर लूँगा। सप्लाई का मैं डायग्राम मैंने बनाया है इस वीडियो में, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो बजर वाली रेंज पर रख के मैंने पहले चेक कर लिया कि किस तरीके से आती है, जैसे कि सप्लाई दूसरे नंबर वाली डाउन में आ रही है, देखो ये कंटिन्यूटी बीप बज रही है, मतलब दूसरे नंबर वाली नीचे है, है ना, और तीसरे नंबर वाली जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सप्लाई को चेक कर लूँगा और फिर सीधे डायरेक्ट जंपर मार दूँगा। जंपर किस तरीके से मारना है मैं वो इस वीडियो में पूरा आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया और एक डायग्राम बना लिया, है ना। और उसी तरीके से हम ये जो माइक वायर है इसको बैटरी पे चार पॉइंट है, तो चार वायर इस जगह से हम सोल्डर कर लेंगे। जैसे डायग्राम में बता रहा हूँ तो देखो इसमें चार, ये पहले तो मैंने पॉइंट बना लिए, है ना। एक प्लस माइनस तो मैंने आराम से, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, है ना। बीच वाला जैसे देखो सेकंड नंबर वाला डाउन है, मतलब कनेक्टर के नीचे लगे नीचे वाले हिस्से का पिन आउट है, और उस तीसरे नंबर वाला है वो अप वाले में है। तो बैटरी में जो पॉइंट लगे देखो प्लस माइनस आराम से दिख रहा है, बीच वाला और उसके बाद सेकेंड नंबर पर थर्मल TH वाली लाइन है और उसके बाद ID वाली लाइन है, ठीक है। तो जो ID वाली रहेगी वो हम अप में लगाएंगे और जो रेड वायर लगा रहे हैं हम इसमें माइक वायर जो है, और TH वाला जो है वो हम डाउन में लगाएंगे, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक तरफ बैटरी पे सोल्डर मार लेते हैं, वायरों को जॉइंट कर लेते हैं, है ना। और जॉइंट होने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको, है ना, बोर्ड पर मिला लेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, देखो ये कनेक्टर दिख रहा है, बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट है वो दोनों में सेम है, है ना, और नीचे वाले दोनों के सेम है। तो अब पत्ते में जो ऊपर वाला भाग है वो ऊपर वाले में हम ऊपर का जो डायग्राम में बनाया है हम ऊपर वाला जंपर मारेंगे, और नीचे जो है जो डाउन वाला जो हमने देखा था उस जगह पर हम डाउन वाला जंपर मार देंगे, जैसे थर्ड वाला डाउन पे था तो डाउन में जंपर मार देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो प्लस माइनस को जंपर कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कनेक्टर पर भी जंपर मार सकते हैं, जैसे मैं पहले प्लस वाला जोड़ रहा हूँ, है ना, और माइनस वाला कहीं पर भी ग्राउंड पे किसी भी जगह पर लगा सकते हो आप, है ना। ये माइनस वाला भी मैं लगा देता हूँ, है ना। अब उसके बाद क्या रहेगा कि हम पहले मल्टीमीटर से सप्लाई चेक कर लेंगे, जैसे इसकी ठीक नीचे वाली तो आ रही है, वो आप आँखों से देखोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात दूसरी ऊपर वाली, तो ऊपर दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट में से कौन से पे हैं हम क्या करेंगे कि बजर वाली रेंज पर पहले कंटिन्यूटी करके चेक कर लेंगे। देखो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं पहले, तो ये नीचे वाला तो देखो ये बीप बज रही है पर मतलब यहाँ आ रही है, और ऊपर वाला देखो इस जगह पर नहीं आ रही, इस जगह पर आ रही है, तो इस जगह पर हम जंपर कर देंगे,
ठीक है, ये जो लाल वाला पॉइंट है वो हम वहाँ लगा देंगे। तो जिस तरीके से डायग्राम में है उस तरीके से हम डायग्राम देखकर जम्पर लगा सकते हैं, है ना। अब इसी तरीके से हम किसी भी फ़ोन का जिसका BMS पत्ता कट गया हो, हम इस तरीके से जम्पर मार कर सप्लाई बना सकते हैं। पत्ते पर भी जम्पर मार के जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस पर लगता ही नहीं है। हम जितना पत्ते को घिस घिस के लगाएंगे ना, वो उतना क्या शॉर्टिंग आती जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, डायरेक्ट सप्लाई चेक करो और जम्पर मार दो, है ना। और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और हमने क्या करा है कि जब टिप्स पे लगाया है, तो टिप्स पे सोल्डर इसलिए लगाया है, कनेक्टर पे भी लगा सकते हैं, पर कनेक्टर पर लगाने से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब बैटरी चेंज करने का टाइम होता है, तब वो बैटरी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि कनेक्टर को हम ख़राब कर चुके होते हैं। और इसी तरीके से हम जम्पर मार कर क्या करेंगे कि वायर को सेफ करके मोबाइल को पैक कर देंगे, और हमारा काम कम्प्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।